जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है। मैं पंजाब के ज़िला फैसलाबाद तहसील जग झुमरा केलवाही गाँव 163 रेबे ब्लगन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जिस तरह के आप देख रहे हैं ये मेरा शौक है। एक मेरे पास बुली डॉग है और एक ये इंग्लिश ब्रीड है एम.स्टफ। ये मुझे गिफ्ट दिया है मेरे दोस्त ने जो कि मंसूराबाद से बिलोंग करते हैं, मियां अमर साहब। और मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के में शौक इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये हमारी रूह को सुकून देता है, ठीक है, लेकिन ये आपकी मसरूफियात को गैर मतलब ज़रूरी एक्टिविटी से इंसान बचता है, ठीक है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मतलब डॉग का शौक करें। इसके अलावा मेरा पेशा फार्मिंग है, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना परदादा जो है फार्मिंग का काम करते थे, तो लेकिन इसके साथ साथ मैं डॉग्स का शौक कर रहा हूँ। तकरीबन बचपन से मुझे इन ब्रीड्स का शौक है, और पहले मैं देसी ब्रीड्स का शौक करता था जैसे बुली गुलटेर वगैरह। इसके बाद जैसे मैं काम के सिलसिले में शहर की तरफ रुख किया, मुझे बहुत से अच्छे दोस्त मिले काम के सिलसिले में और शौक़ के सिलसिले में। इस फील्ड में जैसे जैसे मैं आगे जाता गया मुझे बहुत से अच्छे दोस्त मिले, ठीक है। और मैं इंग्लिश ब्रीड का इसलिए शौक कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले देसी शौक करता था देसी ब्रीड का बुली गुलटेर है। इसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि एक इंग्लिश ब्रीड भी होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश ब्रीड का शौक़ भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे खैर गिफ्ट मिला, ये फीमेल एम.स्टफ जो है मैंने आपको आगे दिखाई है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इससे ब्रीड लेंगे, जो भी मतलब हमारे दोस्त हैं इस लैब में शौक करते हैं उनको शौक करवाएंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए ख़रीदिया कि मैं देखना चाहता था कि एक देसी ब्रीड और एक इंग्लिश ब्रीड में क्या फ़र्क है, ये इस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मेरा इस पर बहुत फोकस है क्योंकि आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने एक लैब्राडोर ली थी, वो मुझे गिफ्ट ही दिया था अमर भाई ने, वो हमसे एक्सपायर हो गई थी। वो पता नहीं हम उसे अच्छा माहौल नहीं दे पाए, वो उसने कोई मतलब सर्वाइव नहीं किया इस माहौल में। तो लेकिन अब ये जो फीमेल है मेरे पास, मैं इस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे हम ना अपना शौक आगे लेकर चलेंगे। इसके अलावा मेरा जो काम है, मेरा पेशा है, वो फार्मिंग का है। मैं जो मेरे नाना परदादा मेरे वाल साहब एक किसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा हम डेयरी का काम करते हैं। तो लेकिन इसके अलावा मुझे मतलब डॉग्स का बहुत शौक़ है, मैं बहुत देर से ये शौक कर रहा हूँ। तो इस शौक़ से आपको बहुत फ़ायदा होता है, आप एक जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं और आप ज़हनी तौर पर फिट रहते हैं। तो आप मतलब गैर ज़रूरी एक्टिविटी से बचे रहते हैं, आप अपने शौक में मगन रहते हैं। इसके अलावा हम इसकी डाइट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश ब्रीड और देसी ब्रीड में इसकी डाइट में भी ज़मीन आसमान का तकरीबन फ़र्क है। ये जो मेरे पास बुली डॉग है जोगी, इसको हम बचपन में दही और दूध वगैरह और गोश्त वगैरह देते थे, और ये जो अब मुझे गिफ्ट आया एम.स्टफ ब्रीड है, इसे हम तकरीबन फीड दे रहे हैं और दही वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं, चिकन इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो तकरीबन इसकी डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, मतलब जिस तरह का जानवर हो उसे उस तरह का माहौल देना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके बाद इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। ये जो बुली डॉग है ये आपको 20,000-30,000 से लेकर 1 लाख रुपये, 2 लाख, 6 लाख तक आपको मिल सकता है, ठीक है, अच्छी ब्लड लाइन के। वो जैसे मतलब आप शो करना चाहें, जैसे आपको मतलब अखराजात के मुताबिक आप सेल करना चाहें, परचेज़ करना चाहें। तो ये जो मुझे गिफ्ट आया एम.स्टफ, ये अगर आप पाकिस्तान से ख़रीदते हैं तकरीबन आपको 50,000 से अबव ही बच्चा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो अच्छी ब्लड लाइन का होना चाहिए। तो ये जो गुलटेर है, गुलटेर आपको 20,000 से लेकर 30,000, मतलब आप जितनी अच्छी क्वालिटी लेना चाहें उसके हिसाब से आप
परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो इंग्लिश ब्रीड है और देसी ब्रीड है, इसको मतलब इसकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जो इंग्लिश ब्रीड है। अगर आप एक प्रॉपर शो करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर शो करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ब्रीड को बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे कि आप एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे आपको ना अपने जानवर को देने चाहिए। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाते तो फिर ये आपके इसके शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप इतना टाइम अपने जानवर को नहीं दे सकते। और इसके अपोजिट अगर हम देसी ब्रीड को देखते हैं, ये आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ता, ठीक है, अगर आपने इसे डाइट डाल दी है, ठीक है, उसने खा ली है। ये जो बुली डॉग है ये तकरीबन डाइट खा कर बस सोए रहते हैं, तो ये इतनी एक्टिव ब्रीड नहीं है। लेकिन ये जो इंग्लिश ब्रीड है ये बहुत एक्टिव ब्रीड है, तो इनको आप टाइम देंगे तो ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे। अगर आप इसे टाइम नहीं देंगे तो ये अग्रेसिव होंगे, तो अगर आप इसको इंग्लिश ब्रीड को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो ये आप मतलब लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये जो कि मतलब बहुत ख़तरे की बात होती है। और अगर इसकी ओपोजिट हम देखें, ये जो बुली ब्रीड है ये लोगों पर इतना अटैक नहीं करते, ठीक है, इनका रोब होता है लेकिन ये अटैक नहीं करते, ये उस वक्त तक लोगों पर अटैक नहीं करते जिस वक्त तक हम इन्हें लड़ाई के मैदान में नहीं धकेलते। जब हम इन्हें लड़ाई के मैदान में धकेलते हैं तो ये खूनखार हो जाते हैं, तो फिर ये लोगों पर अटैक करते हैं। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, तो आज की ये थी कह रहे हैं कि कहानी थी या एक शौक़ की दास्तान थी कि शामी भाई अपने गांव में रहकर किस तरह जो है वो शौक़ कर रहे हैं और किस तरह इनका शौक़ जो है वो चल रहा है। और बहुत सारे गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो कोशिश तो करते हैं कि वो इंग्लिश ब्रीड्स का भी शौक़ करें, लेकिन इलम ना होने की वजह से, इलम की कमी होने की वजह से वो नहीं कर पाते या रिस्क नहीं ले पाते। जिस तरह शामी भाई ने बयान किया कि उन्होंने जब शहर की तरफ का रुख किया तो बहुत सारे उन्हें और भी ब्रीड्स दिखाई दी और कोशिश इन्होंने ये की, और सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया कि वो ब्रीड ले आए। अगाही इनके पास पहले थी ब्रीड्स का, इन्हें शौक पहले किया हुआ था, और इंग्लिश ब्रीड का जो है अब नया इनका एक्सपीरियंस होगा, इतना रद्दो बदल नहीं होगा इनका, ज़्यादा खुराक का फ़र्क नहीं होगा इनका, और ज़्यादातर कितना खास डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन्हें एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एक नई चीज़ होगी। और इंसान की फैंटेसी भी ऑब्वियसली होती है कि वो एक नई ब्रीड के साथ जो है वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस करे। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह इस सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और इसमें जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे लोग अपने नए नए एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और किस तरह उनका शौक चाह रहा है। तो जी आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं जी। मैं मोहम्मद क़दीर और मेरे साथ मोहम्मद एहतशाम जी, साइनिंग आउट। अल्लाह।